14वीं वाहिनी एनडीआरएफ जसूर के कैंप परिसर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। बलजिंदर सिंह सेनानी 14वीं वाहिनी एनडीआरएफ ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस सप्ताह में निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार स्थानीय लोगों को जागरूक करने हेतु आज 14वीं वाहिनी राहत आपदा मोचन बल जांच से जसूर बाजार में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें रैली के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पैम्पलेट और बैनर बांटे गए और लोगों को अपने क्षेत्र में सुधार करने के लिए सतर्कता जागरूकता के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही सुशासन के लिए आम आदमी की जिम्मेदारी की भूमिका एवं सरकारी नीतियों में के किसी भी दुरुपयोग के बारे में शिकायत करने के आसान तरीकों के बारे में जागरूक किया गया एवं विभिन्न स्थानों पर संबंधित पोस्टर लगाए गए। रैली के दौरान 14वीं वाहिनी के सभी पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जो आज का जो कार्यक्रम आज हमने यहाँ जो शुरू किया है, ये जो एक दो हफ्ते का विजिलेंस अवेयरनेस वीक का है आयोजन किया जाता है हर साल, उसी उपलक्ष्य में ये आज का ये रैली ऑर्गेनाइज की गई थी। इस सारे कार्यक्रम जो हमने एक हफ्ते में चलाने हैं, उसमें जो जागरूकता है, एक तो हमारे अपने खुद के कर्मचारी और दूसरा जो जनरल पब्लिक है उनके बीच में विजिलेंस के प्रति जागरूकता पैदा करना और विजिलेंट होने का एक संदेश देना है। इसी सिलसिले में हमने कई स्कूलों में भी हर अलग अलग जगह जो हमारी RRCs हैं दूसरी लोकेशंस पे भी, चाहे वो रामपुर में हो, चाहे वो मंडी में हो, चाहे नालागढ़ में हो, वहाँ से भी हमारी टीमें अलग अलग स्कूलों में जा रही हैं। वहाँ की जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जैसे स्कूल के बच्चे हैं, उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से अवेयर कराया जा रहा है विजिलेंस के बारे में जागरूक रखने के लिए, क्योंकि आज की जो हमारे पास सोशल मीडिया है और दूसरे जो इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फ्लो होती है, उसका इस्तेमाल इस देश को करप्शन फ्री और ज़्यादा जो हमारा जीवन का स्तर है उसको ऊपर उठाने के लिए, जो पैसा गलत जगह पर देश चले जाता है, उसकी वही मेन उद्देश्य है, उसी पर्पज़ के लिए रैली और दूसरे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।